आज के एपिसोड में आप देखेंगे लोकसभा के बारे में। संसद के तीन अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अनुच्छेद 79 कहता है कि संसद के दो सदन होंगे, राष्ट्रपति के अलावा उसके दो सदन होंगे जिनके नाम क्रमशः लोकसभा और राज्यसभा होंगे। ध्यान देने की बात है कि लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है और राज्यसभा को उच्च सदन, जबकि लोकसभा में सदस्यों की संख्या ज्यादा होती है और राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कम। तो कंफ्यूज मत होइएगा, लोकसभा निम्न सदन है, राज्यसभा उच्च सदन है। अब शुरू करते हैं लोकसभा से। लोकसभा में गठन, पहला प्रश्न होता है कि लोकसभा का गठन किस आधार पर होता है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 81 आर्टिकल 81 इसके गठन का प्रावधान करता है, आर्टिकल 81। और वयस्क मतदान के आधार पर निर्वाचन किया जाता है लोकसभा के सदस्यों का। लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन वयस्क मताधिकार के द्वारा होगा और गठन अनुच्छेद 81 प्रावधान करता है। भारत का जो मूल संविधान जब बना, उस समय लोकसभा के सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई थी 500 सदस्य पहले निर्धारित किए गए। फिर 1987 से 552 सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई। 552 सदस्यों में से 20 सदस्य हुआ करते थे संघीय क्षेत्रों के, 20 संघीय सदस्य और 2 सदस्य इनमें से आंग्ल भारतीय हुआ करते थे जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति किया करता था। आंग्ल भारतीय 2, ध्यान देंगे हर मोड में आंग्ल भारतीय 2 ही थे लोकसभा के लिए। फिर वर्तमान में सिर्फ 545 सदस्य हैं। वर्तमान में 545 सदस्यों में से 13 सदस्य संघीय क्षेत्रों के होंगे और 2 सदस्य होंगे आंग्ल भारतीय या जिन्हें आप एंग्लो इंडियन भी कहते हैं। अब आपने देखा होगा कि सीटें आरक्षित रहती हैं, जैसे इस विधानसभा की या इस लोकसभा की सीट आरक्षित है, यहाँ केवल SC लड़ेंगे, यहाँ केवल ST लड़ेंगे चुनाव। तो सीटों के आरक्षण का जो प्रावधान होता है वो लोकसभा में सीटों के आरक्षण का प्रावधान है अनुच्छेद 330 के तहत। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का के लिए आरक्षण अनुच्छेद 330 देता है और इस आरक्षण का जो आधार होता है उस स्थान पर वो उनकी जनसंख्या के आधार पर होता है। और अब आती है बारी परिसीमन की। परिसीमन आयोग होता है जो निर्धारित करता है कि कितनी दूरी तक कौन सी लोकसभा का क्षेत्र लगेगा और यह भी जनसंख्या आधारित ही होता है। सन 1971 में 543 सदस्य निर्धारित किए गए थे जनसंख्या के आधार पर, जनगणना के आधार पर। जैसा कि आपको पता होगा जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष पर होती है, तो वर्ष 1971 में निर्धारित किया गया कि 543 सदस्य होंगे। फिर इसे बढ़ा करके 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 2000 तक कर दिया गया। सन 2000 तक 543 सदस्य होंगे, 42वां संशोधन यह कहता है। और फिर 84वें संशोधन के द्वारा इसे 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया, अर्थात 2026 तक भारत में 543 लोकसभा सदस्य होंगे। और ये 543 इनमें 2 आंग्ल भारतीय जो निर्वाचित नियुक्त किए जाते हैं वो नहीं है, ये 543 वही हैं जिनके ऊपर चुनाव होता है, जो सिलेक्ट किए इलेक्ट किए जाते हैं वो है। अब आयु संशोधन की बारी आती है। पहले मतदान की उम्र 21 वर्ष हुआ करती थी, फिर आयु में संशोधन किया गया और उसे 18 वर्ष, और यह संशोधन किया गया 1989 में। तो ये रहा आयु संशोधन 1989 से 21 वर्ष से घटाकर इसे 18 वर्ष कर दिया गया। अब आते हैं योग्यता पर। योग्यता अर्थात लोकसभा का सदस्य अथवा सांसद बनने के लिए न्यूनतम योग्यता क्या होनी चाहिए। तो पहले तो ये जानेंगे कि योग्यता का प्रावधान संविधान के किस भाग में किया गया है। संविधान का अनुच्छेद 84 आर्टिकल 84
प्रावधान करता है कि क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए लोकसभा का सांसद बनने के लिए। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आपकी न्यूनतम आयु पहले तो 25 वर्ष होनी चाहिए। उसके बाद आप भारत के नागरिक हो। वह व्यक्ति कोई भी लाभ का पद न धारण करता हो। लाभ के पद में मंत्री पद नहीं आता है। और अब बारी आती है कार्यकाल की। आयु न्यूनतम 25 वर्ष होनी चाहिए और कार्यकाल जो लोकसभा के सदस्यों का निर्धारित किया गया है वह है 5 वर्ष। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा एक बार इसे 6 वर्ष कर दिया गया था, परंतु फिर से इसे 5 वर्ष ही कर दिया गया। और आपातकाल के दौरान, राष्ट्रीय आपात के दौरान लोकसभा का कार्यकाल लगभग 1 वर्ष के लिए अधिकतम एक बार में बढ़ाया जा सकता है। अब बारी आती है दल बदल विरोधी कानून की। 52वां संविधान संशोधन इसी से संबंधित था, जिसमें 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। 52वां संशोधन के द्वारा 10वीं अनुसूची संविधान में जोड़ी गई। ध्यान देने की बात है कि जब संविधान का निर्माण हुआ था तो मूल संविधान में सिर्फ 8 अनुसूचियां थी। ये 10वीं अनुसूची जोड़ी गई दल बदल विरोधी कानून के लिए। अधिवेशन तथा गणपूर्ति। अधिवेशन का प्रावधान है कि वर्ष भर में कम से कम 2 बार लोकसभा का अधिवेशन बुलाया जाएगा और दोनों बार में अधिकतम 6 माह का अंतर हो सकता है। और गणपूर्ति, गणपूर्ति का तात्पर्य है कि लोकसभा का सत्र चलाने के लिए कम से कम कितने सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है, वो होती है गणपूर्ति। तो कम से कम 1/10 सदस्य उस समय उपस्थित होने चाहिए, तभी लोकसभा का सत्र प्रारंभ हो सकेगा। अब बारी आती है लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद का प्रावधान निर्वाचन बताया गया है अनुच्छेद 93 संविधान का। अनुच्छेद 93 आर्टिकल 93 कहता है कि लोकसभा के सदस्य अपने ही सदस्यों में से किसी एक को अध्यक्ष चुनेंगे और एक को उपाध्यक्ष चुनेंगे। अब बारी आती है त्याग पत्र की। त्याग पत्र अध्यक्ष उपाध्यक्ष को देता है और उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र अध्यक्ष को देकर के पद छोड़ सकता है। ये रहा इनका त्याग पत्र। और हटाया जाना, यदि किन्हीं कारणों से संसद के सदस्य इनको हटाना चाहते हैं तो उनको कम से कम 14 दिन पूर्व सूचना देने के बाद ही इस प्रकार का कोई कार्य किया जा सकता है। कार्यकाल, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों का कार्यकाल 5 वर्ष का ही होता है और इनका वेतन इस प्रकार होता है जैसा संसद विधि द्वारा निर्धारित करे। शपथ, लोकसभा का अध्यक्ष शपथ लेता है एक साधारण सदस्य के रूप में, केवल सदस्य के रूप में शपथ लेगा, अध्यक्ष पद के हिसाब से कोई शपथ नहीं होती है। और अधिकार जो होते हैं, लोकसभा अध्यक्ष के कुछ अधिकार भी होते हैं उस सदन में। सदन में अधिकार यह होता है कि वह जिस सदस्य को चाहे, यदि वह अनौपचारिक व्यवहार कर रहा है, गलत व्यवहार करता है, तो जिस सदस्य को चाहे सदन से उसे बाहर कर सकता है या उसे निलंबित भी कर सकता है। और स्थगन का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष के पास ही होता है, सदन का स्थगन लोकसभा का अध्यक्ष ही करता है। संयुक्त अधिवेशन संबंधी शक्ति भी लोकसभा अध्यक्ष के पास होती है, क्योंकि जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है अनुच्छेद 108 के तहत, तो उसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष ही करता है। और धन विधेयक, जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है, धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश होता है। इसलिए इसकी पूरी शक्ति लोकसभा अध्यक्ष के पास ही होती है। और बजट, बजट संबंधी शक्तियां भी लोकसभा के पास ही होती है। धन विधेयक पर अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष का ही माना जाता है। अब लोकसभा का नियंत्रण मंत्रिपरिषद पर पूरी तरह से होता है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद पूर्णतः लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है और इस प्रकार का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 75 का 3। अनुच्छेद 75 का 3 कहता है कि मंत्रिपरिषद तभी तक
कार्य कर सकती है जब तक उसे लोकसभा का समर्थन प्राप्त है। यदि लोकसभा का विश्वास समाप्त हो जाता है, लोकसभा विश्वास द्वारा मंत्रिपरिषद को भंग कर सकती है। लोकसभा के अधिकार क्षेत्र में यूपीएससी, कैग और वित्त आयोग भी आते हैं, जिनके निर्णयों पर वह विचार करती है। उसके निर्णय के विचार के बाद ही कोई निर्णय लिया जा सकता है। आरक्षित सीटें, अभी पहले आपको बताया हमने अनुच्छेद 330 में सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है, और सबसे ज्यादा आरक्षित सीटें हैं उत्तर प्रदेश में। अनुसूचित जातियों के लिए 17 सीटें आरक्षित है उत्तर प्रदेश में। ऐसा इसलिए है क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें भी हैं, और मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जहां सर्वाधिक 7 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए है। अनुसूचित जनजाति के लिए सर्वाधिक 7 सीटें एमपी में, मध्य प्रदेश में है, और 17 सीटें यूपी में है अनुसूचित जातियों के लिए सर्वाधिक। लोकसभा के सदस्यों के पास मत संबंधी शक्तियां भी होती हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के लिए वो वोटिंग करते हैं। अनुच्छेद 54 आर्टिकल 54 के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन में भी लोकसभा के सदस्य वोट देते हैं, और उपराष्ट्रपति को भी लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य मत देते हैं। न्यायाधीशों के कदाचार या असमर्थता, न्यायाधीशों पर कदाचार, असमर्थता और महाभियोग, इन तीनों पर विचार लोकसभा ही करती है। तो ये था लोकसभा, लोकसभा की शक्तियां, लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। इसी प्रकार की और भी जानकारी के लिए देखते रहिए जीएस मंत्रा। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।